आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर न्यूज बुलेटिन जोश इंडिया टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। देश भर में डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ आईएमए का 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन, नारा होगा रक्षकों को बचाओ। पोर्ट और एयरपोर्ट सेक्टर के बाद अब गौतम अडानी का सीमेंट सेक्टर पर भी होगा कब्जा। हज यात्रियों के लिए मायूसी भरी खबर, कोरोना महामारी के चलते 60,000 से अधिक लोगों को नहीं होगी हज की इजाजत। अमेरिका के 3 राज्यों में हिंसा की खबरें, गोलीबारी के चलते 2 लोगों की हुई मौत और करीब 30 लोगों के घायल होने की है खबर। भारत और श्रीलंका क्रिकेट टीमों के बीच जुलाई में होगी 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज, सभी मैच श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। और अब पेश है खबरों का विस्तार। देश भर में डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए 18 जून को राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसका नारा होगा रक्षकों को बचाओ। हालांकि 15 जून को राष्ट्रीय मांग दिवस भी मनाया जाएगा और देश भर में शाखाओं द्वारा संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। आईएमए देश भर में डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ 18 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा, जिसका नारा रक्षकों को बचाओ होगा। आईएमए ने एक बयान में देश भर में अपनी सभी राज्य व स्थानीय शाखाओं से काली पट्टी, मास्क, रिबन, शर्ट, सब कुछ काले रंग का पहनकर प्रदर्शन करने और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। संघ ने कहा कि 15 जून को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया जाएगा और देश भर में शाखाओं द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएंगे। एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव की हालिया टिप्पणियों पर आईएमए ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसका पालन किया जाएगा। संघ ने कहा कि रामदेव ने अब सार्वजनिक रूप से नया बयान जारी कर कहा है कि डॉक्टर देवदूत हैं और वह व्यक्तिगत रूप से टीकाकरण के लिए भी जाएंगे, लेकिन हमें जिस मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है वह अविस्मरणीय है। पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे सेक्टर्स में बड़ी हिस्सेदारी के बाद अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने सीमेंट सेक्टर में भी उतरने का फैसला किया है। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप नए सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रही है। यह ग्रुप अब सीमेंट सेक्टर में भी उतरने जा रहा है। हालांकि पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे सेक्टर में अडानी ग्रुप पहले से ही है। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने कहा है कि ग्रुप ने अडानी सीमेंट के नाम से एक फुली ओन्ड कंपनी की स्थापना की है। कोरोना महामारी के चलते जहां दुनिया में जीने का ढंग और तौर तरीके बदल गए, वहीं इसका प्रभाव तीर्थ यात्राओं पर भी देखने को मिला, जिसके चलते अब हज यात्रियों को भी मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की इजाजत नहीं होगी और वे सभी स्थानीय ही होंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की इजाज़त नहीं होगी और वे सभी स्थानीय भी होंगे। पिछले साल सऊदी अरब में पहले से रह रहे लगभग 1,000 लोगों को ही हज के लिए चुना गया था। जुलाई के मध्य में शुरू हो रहे हज में इस बार 18 से 65 साल के आयु वर्ग के लोगों के जाने की अनुमति होगी। हज में शामिल होने की उन्हें ही इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अमेरिका के 3 राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 राज्यों में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 के करीब लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। अमेरिका के 3 राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 राज्यों में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कम से कम 30 लोगों के घायल होने की खबर है। ये हमले टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन, शिकागो और जॉर्जिया में हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि ऑस्टिन में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे संदिग्ध की तलाश है जिसने गोलीबारी शुरू की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 संदिग्ध आरोपियों ने बार और रेस्टोरेंट में गोलीबारी शुरू की, जिसमें 14 लोग घायल हुए।
वहीं बाकी के दो अन्य शहरों में हुई गोलीबारी में किसी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। टीम का ऐलान करने के बाद अब बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम को क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 14 जून को मुंबई में इकट्ठा होने और बायो बबल में प्रवेश करने को कहा है। जी हाँ, नियमों के अनुसार बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर जाने वाली टीम को 14 जून को मुंबई में इकट्ठा होने और बायो बबल में प्रवेश करने को कहा है। हालांकि सभी खिलाड़ियों के लिए मुंबई पहुंचने से पहले कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी होगा। इतना ही नहीं, 28 जून को श्रीलंका पहुंचने से पहले सभी खिलाड़ी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी रहेंगे। आइए जान लेते हैं श्रीलंका दौरे का क्या है पूरा स्केड्यूल। पहला वनडे 13 जुलाई को होगा, दूसरा वनडे 16 जुलाई को होगा, तीसरा वनडे 18 जुलाई को होगा, पहला T20 21 जुलाई को होगा, दूसरा T20 22 जुलाई को होगा, जबकि तीसरा T20 25 जुलाई को होगा। बता दें कि सभी मैच श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।